गाइज मॉर्निंग में सभी जो अपने गांव वाले दिवाली से अगला दिन नेक्स्ट डे है विश्वकर्म पूजा और आज हम जा रहे हैं त्रिउंड धर्मशाला बाजार जो है ये है तकरीबन यहीं से चालू हो जाता है नीचे सिविल हॉस्पिटल है और ये मार्केट है और यही रास्ता जो है अपना मैक्लोडगंज की तरफ को जाता है नीचे आप धर्मशाला सिटी के नज़ारे लो ये जो आपको सामने पहाड़ पे दिख रहे हैं सारा ये सारा मैक्लोडगंज है दो रास्ते बेसिकली एक रास्ता जो है यहीं से जाता है और एक रास्ता घूमते जाता है अराउंड 10 किलोमीटर का है और ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता एकदम स्टीप आइपिंग मैं बोल सकता हूँ कि 70-75 डिग्री का इंक्लाइन है उसके ऊपर जाता है रास्ता ये रास्ता जो है सीधा है शॉर्टकट है बेंगलोरगंज के लिए और ये रास्ता लंबा है तो हमें इसी रास्ते से जाना है क्योंकि हमें जाना है नदी वाले रास्ते में सो गाइस अभी सीन ये हुआ कि ये रास्ता जो था लैंडस्लाइड में बह गया था बरसात में बन रहा है रोड बंद है तो रोड आपको वहाँ दिख रहा है दूसरा रास्ता अब तो हमें दोबारा से टर्न करना पड़ेगा शहर के लिए दोबारा से जाना पड़ेगा तो चलो ओ एनी रास्ता नीचे वाले रास्ते से हमें जाना पड़ेगा तो चलो जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं तो गाइस ये जो है धर्मशाला का बस स्टैंड है और लॉकडाउन के कारण जितनी भी यहाँ से वोल्वो बसेज और चलती थी अपनी सब यहीं पे खड़ी हैं गोरी ऊपर खड़ गया था वो तो खड़े डंडे को जाएंगे उसको फिर बोला इधर से आ वापस गए निखिल ले लो कोई गोरी निखिल आ तो सही तो चक्कर है लगा रखा देख है गुड इसको बंद कैसे करता है सो गाइस रास्ता जो है ना ऐसा खराब है सारा ऑफ रोड है धर्मकोट से त्रिउंड की तरफ को जाते टाइम आई थिंक 1 किलोमीटर हमने चल दिया और आपको बिल्कुल अगर बाइक या गाड़ी लेके आ रहे हो तो आपके बिल्कुल आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका कुछ भी होता तो नीचे देख लो खाई कैसी है बाइक या आपकी गाड़ी अनबैलेंस होती है पूरा ऑफ रोड आपको बिल्कुल आराम से 100% कंसंट्रेशन के साथ ओनली रोड पर चलना पड़ेगा
में चलो। तो देखो गाइस क्या हुआ यहाँ पे, अपनी ब्लश तो ऐसे चढ़ जाएगी भाई, अपनी ब्लश ले लद्दाख स्पीति सब कुछ कर दिया, अब छोटी मोटी चढ़ाइयाँ ब्लश नहीं मारती। फाइव सिक्स जीरो एट फोर टू जीरो एट चला चला निकलो निकलो चलो बैठो बाइकर चला, हमने थोड़ी बोला पैसे आने को, ये लो बोतल बैग में डाल दो, चलो चलो चलो। सो गाइस ये पॉइंट है जहाँ से त्रिउंड की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, आपको यहाँ पे एक ढाबा मिल जाएगा, आप अपना जो भी डेली यूज़ का सामान खाने पीने के लिए ले सकते हो, है ना, और यहीं पे आपकी गाड़ी बाइक पार्क हो जाएगी और यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ेगा। अपनी सारी टीम सभी बाइक के पार्क हो गई हैं, तो चलते हैं अब जल्दी से। सो चलो जल्दी जल्दी से गल्लू गल्लू। और साथ साथ ही आपके इस पॉइंट पे ना आपको ये ढाबे वगैरह मिल जाएंगे, आप यहाँ पे कुछ भी लेकर खा सकते हो, साथ में ये डस्टबिन वगैरह है, आप अपना जो भी आपका गार्बेज है जो भी आप ऊपर तक लगते लाओगे तो आप ब्लॉगर भैया मास्क तो लगा लो। हाँ जी मास्क लगा लो, यहाँ पे इतना कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपका एक चेक पॉइंट है, आपको चेक इन करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपको आगे की परमिशन मिल सकती है। तो जल्दी से चलते हैं। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे जो भी आपको अप डाउन करना था आपको 11 बजे यहाँ पे होना पड़ेगा, 11 से 11:30 हो जाएंगे, 12 पे आप अलाउ नहीं किए जाएंगे, और जिनको वहाँ पे नेट स्टे करना है उनको 2 बजे तक अलाउ किया जाएगा, बट हमें अप डाउन करना था तो हम कुछ लेट है अपने टाइम से, अराउंड 1 बज चुका है तो हमें अलाउ नहीं किया जा रहा, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोग अप डाउन कर नहीं पाएंगे, मतलब इसके लिए अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए कहाँ जाया जाए। सो भी देखते हैं कि प्लान क्या बनता है अगला, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो फाइनली त्रिउंड कैंसिल, परमिशन मिली नहीं, सो भी आगे का देखते हैं कि नियर बाई प्लेसेस क्या हम विजिट कर सकते हैं, सो वहाँ चलते हैं जल्दी से, उनको एक्सप्लोर करते हैं, फिर आगे का बताते हैं कि कैसे प्रोग्राम बनता है। आज ठंड बहुत है, येलो वार्निंग दी है मौसम विभाग वालों ने कि बारिश हो सकती है और आपकी बर्फ गिर सकती है, टॉप टॉप एरिया आज भी। ये क्यों लगाया भाई इतनी सीढ़ियाँ लगा के, किसका काम है भाई ये नो पार्किंग का, हेलीकॉप्टर के लिए है किस चीज़ के लिए है समझ नहीं आ रहा है।
सुमंदर चाहे माउंटेन से बट यहाँ पे अलाउ नहीं किया क्योंकि अप डाउन के लिए इनका 11 बजे का टाइम है, 11 बजे के बाद आप जा नहीं सकते हो, आप ये अलाउ नहीं करेंगे। और अपना जो कांगड़ा वैली अब कुछ इस तरह से दिखती है, ये जो विलेज है इसको भागसुनाग बोलते हैं, मैकलोडगंज, ये धर्मशाला और ये सारी कांगड़ा वैली। तो गाइस लंच हमने कर लिया यहाँ मंदिर पे लोकेशन पे और आग वाग जला दी, ठंड बहुत है क्योंकि आज आग चेक किया। अगला प्लान देखते हैं कहाँ का बनता है घूमने का, फिर देखते हैं आगे अपडेट करता हूँ आपको मैं, ठीक है। देखे यहाँ पे कितनी गर्मी लग रही है हमें, सिर्फ और सिर्फ इस चीज की वजह से। अब देखिए बॉम भी है, बस भाई ध्यान से खोलना। मैंने वीडियो बना रहा हूँ, बना रही हूँ बहुत पहले की। तो गाइस अब देखो हम बैलून उड़ाने वाले हैं, इसको बोलते हैं बैलून, चाइनीज बैलून, इसे इंग्लिश एयर लाटेन भी बोलते हैं। आग लग जाने दे बस एक बार अपने आप हवा, इसे एयर लाटेन भी बोलते हैं। ट्रेन होता है लाटेन, मैं टेप भी लेके आया हूँ, तो बड़ी गंदी कर रहा है। ग्रुप की फोटो भी तो खींचो, बेइज्जती ग्रुप है ना, मन्नत की वाली 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 कर रही हूँ, मन्नत वैसे बहुत ज्यादा मुंह है। लीला खराब पार्ट कर दी, लीला छोड़ दो, ये नहीं होगा जान का। ऊपर चल 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 गैर दवाई नीचे, रुकिए 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 अभी नहीं, वो नहीं उड़ा, फंस गया, जल गया। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, ट्राई कर रहे हैं हम। तो दोस्तों जितना कठिन जो है चढ़ाई चढ़ना है उससे दो गुना मुश्किल उतरना होता है। दोस्तों सीन ऐसा हुआ कुछ कि घर जा रहे थे और जाते जाते पूरा ऑफ रोड था और एक बाइक होगी पंचर, तो फिर से प्रॉब्लम फंस गई कि क्या करें। तो अभी जिसकी बाइक पंचर थी उसको भेज दिया हमने आगे आगे, बाकी एडजस्ट कर रहे हैं सभी के साथ में। सो गाइस ये वाली जो और अकेले भाई इसको चला रहा है आराम आराम से, और आज है वैसे विश्व, तो मेरे को लगता नहीं कोई शॉप वैसे खुली मिलेगी। वैसे तो लोकल से आइडिया हमने ले लिया कि दुकान बता दिया, तो अभी देखते हैं चलते हैं, खुली मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी तो चलो आराम आराम से तो घर पहुँच ही जाएंगे। गाइस यहाँ से बिल्कुल अच्छा वाला लुक आ रहा है, कितना सुंदर व्यू आ रहा है, ये देखिए देखिए बकरी, ये देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू आ रहा है, पूरा मैकलोडगंज है। Thank you.
गाइस ये मैक्लोडगंज का मेन मार्केट है, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो चीज़ चाहिए जो कुछ भी चाहिए। और यहाँ पे सच में जो गर्म कपड़े हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये एक तरह से तिब्बतन मार्केट है।